हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने लीनियर नॉन लीनियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, इसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। देखिए, वाई टी कस टू टू एक्स एक्स टी प्लस थ्री, तो इसको बताना ये लीनियर होगा या नॉन लीनियर। सबसे पहले क्या करते हैं, एडिटिविटी प्रॉपर्टी पे जाते, तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी पे जाइए। वाई वन टी टू एक्स वन टी प्लस थ्री। नेक्स्ट, सिग्नल को दो पार्ट में लिखते हैं, ठीक है, एक्स टू टी प्लस थ्री। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों आउटपुट को ऐड करते हैं। वाई वन टी प्लस वाई टू टी कितना होगा, इन दोनों को ऐड करो, टू एक्स वन टी प्लस थ्री प्लस टू एक्स टू टी प्लस थ्री, तो ये कितना आ जाएगा, वाई वन टी प्लस वाई टू टी इक्वल टू टू, यहाँ इन दोनों में से टू कॉमन, एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी प्लस थ्री प्लस थ्री सिक्स, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर वन कहता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो इनपुट है हमारा एक्स वन टी एक्स टू टी, उसको क्या करूँगा, मैं सिस्टम से पास करूँगा, सिस्टम से पास करूँगा। सिस्टम की क्या प्रॉपर्टी है, जो भी इनपुट होता है ना, उसमें टू की मल्टीप्लाई करता है प्लस वो थ्री ऐड कर देता है, तो हमारा इनपुट है ये, तो ये क्या करेगा, टू की मल्टीप्लाई करेगा इनपुट में और क्या कर देगा, थ्री ऐड कर देगा। तो ये दोनों इक्वल हैं क्या, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दी करिए, तो सॉरी ये वाई टी के इक्वल, तो वाई ये दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे टू एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी तो आ रहा है, यहाँ पे सिक्स है, यहाँ थ्री है, तो इक्वल नहीं है। तो वाई टी किसके इक्वल नहीं है, वाई वन टी प्लस वाई टू टू के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अगर इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, सिस्टम इज नॉन लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई टी कस टू टी एक्स टी, तो वाई पहले एडिटिविटी प्रॉपर्टी से चेक करेंगे, टी एक्स वन टी वाई टू टी टी एक्स टू टी, दोनों को ऐड करो, वाई वन टी प्लस वाई टू टी कितना आ जाएगा, टी एक्स वन टी प्लस टी एक्स टू टी, वाई वन टी प्लस वाई टू टी कितना आ जाएगा हमारा, टी को मैं ले सकता हूँ मैं यहाँ से, एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर वन कहता हूँ। नेक्स्ट, इनपुट को मैं क्या करूँगा, सिस्टम से पास कराऊँगा, एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी, जब इसको मैं सिस्टम से पास कराता हूँ, सिस्टम की क्या प्रॉपर्टी है, आउटपुट वाई टी देता है कब, जो भी इनपुट दिया जा रहा है उसमें क्या, टी की मल्टीप्लाई कर देता है, तो टी की मल्टीप्लाई कर देता है जो भी इनपुट है, इनपुट क्या हमारा, एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी। ये दोनों वन और टू को कंपेयर करिए, तो ये दोनों इक्वल है, तो वाई वन टी प्लस वाई टू टी किसके इक्वल है, वाई टी के, ठीक है। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी फोर हो गई। एक बार जो होमोजेनिटी थी उसको चेक कर लेते हैं, होमोजेनिटी को चेक करो, होमोजेनिटी को चेक करेंगे क्या होगा, वाई टी देने पे कितना आ रहा है इनपुट, टी एक्स टी, ठीक है, ये आ रहा था। अगर मैं इनपुट में मल्टीप्लाई करता हूँ अल्फा से, तो आउटपुट में क्या होना चाहिए, अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, ये कहता है, ठीक है। तो मैं अगर इनपुट में मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो इनपुट में मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, इनपुट में मल्टीप्लाई करो, देन अगर मैं इसमें अल्फा की मल्टीप्लाई कर दूँ इनपुट में, तो इनपुट क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टी एक्स टी में, अगर मैं अल्फा ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, अल्फा इंटू टी एक्स टी आ जाएगा, ठीक है, किसके इक्वल होगा ये, वाई टी के। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करूँगा मैं, पहले आउटपुट में मल्टीप्लाई करूँगा, तो आउटपुट में मल्टीप्लाई करो, तो अल्फा वाई टी, अल्फा में मैंने मल्टीप्लाई की तो इसमें मल्टीप्लाई करो, अल्फा टी एक्स टी, क्या ये दोनों इक्वल है, अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, होमोजेनिटी फॉलो हो रही है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सिस्टम इज लीनियर, ठीक है। वैसे एडिटिविटी तक ही काफ़ी है, यहीं पे लिख सकते थे सिस्टम इज लीनियर, ये करने की ज़्यादा जरूरत नहीं थी, उसी से पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एन, तो लिखो इसको एडिटिविटी से, वाई वन
कितना हो जाएगा एक्स वन एन, वाई टू एन कितना हो जाएगा एक्स टू एन का मोड। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, वाई टू एन कितना हो जाएगा एक्स वन एन का मोड प्लस एक्स टू का मोड एन, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, जो हमारा सिग्नल है उसको पास करा दो बस सिस्टम से, है ना। सिस्टम से हमें पास कराता हूँ सिग्नल की क्या प्रॉपर्टी है, जो भी इनपुट दिया जाता है उसको क्या कर देता है मोड कर देता है। तो हमारा सिग्नल है एक्स वन एन प्लस एक्स टू एन, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, वन और टू को कंपेयर करो क्या इक्वल है। यहाँ देखिए अलग अलग पे वो दे रखा है मोड, मोड में क्या होता है ये दोनों पे वो नहीं होता, अलग नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है, वाई एन के। तो वाई एन इज नॉट इक्वल्स टू वाई वन एन प्लस वाई टू एन, अगर इक्वल नहीं है तो क्या आ जाएगा, सिस्टम इज नॉन लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते वाई एन इक्वल्स टू एन एक्स एन स्क्वायर, तो लिखो इसको बस वाई एन कितना हो जाएगा एन एक्स वन एन का स्क्वायर, वाई टू एन इक्वल्स टू एन एक्स टू का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का ऐड करूंगा मैं, क्या आएगा वाई वन एन प्लस वाई टू एन कितना हो जाएगा एन एक्स वन का एक्स वन एन का स्क्वायर एन एक्स टू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ से मैं एन कॉमन ले लेता हूँ, थोड़ा जो कॉमन आ रहा है उसको ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। एन कॉमन है तो क्या बचा अंदर, एक्स वन का स्क्वायर एन और एक्स टू का स्क्वायर एन, ठीक है। ये आ गया, इसको नंबर इक्वेशन नंबर वन कहता हूँ। उसके बाद क्या करूँगा मैं, अपने सिग्नल को जो भी सिस्ट वो इनपुट है एक्स वन एन और एक्स टू एन को सिस्टम से पास कराऊंगा। सिस्टम की क्या प्रॉपर्टी है, जो भी इनपुट होता है उसका स्क्वायर करता है और एन से मल्टीप्लाई कर देता है। तो इनपुट ये है हमारा, उसका स्क्वायर करेगा और क्या कर देगा एन से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हैं क्या, देखो ये एक्स वन एन प्लस एक्स टू एन का स्क्वायर का खोलूंगा मैं, अगर देखिए मैं इसको स्क्वायर खोलता हूं तो क्या आएगा एक्स वन स्क्वायर एन एक्स टू स्क्वायर एन प्लस टू इंटू एक्स वन एन इंटू एक्स टू एन, ठीक है। तो वन और टू को कंपेयर करो, वन और टू के कंपेयर करेंगे क्या इक्वल है, इसमें टू एक्स वन एन इंटू एक्स टू एन नहीं है इसमें, तो क्या हो गया इसका मतलब वाई एन इज नॉट इक्वल टू वाई वन एन प्लस वाई टू एन, अगर इक्वल नहीं तो क्या हो जाएगा सिस्टम इज नॉन लीनियर, इज नॉन लीनियर, ठीक है। इस टाइप्स करते हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप्स कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।